हमें याद आता है कल जब संसदीय दल की बैठक चल रही थी, उस दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा था। हमें आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री खुद बड़े चिंतित थे, हिंदुस्तान में सब कुछ चुनाव के इर्द गिर्द क्यों होता है और संस्थान खत्म होते चले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चलेंगे दोबारा बेंगलुरु। चुनाव तो आते जाएंगे, जीत हार चलती रहती है, लेकिन देश के मूलभूत अधिष्ठानों पर घात होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो प्रधानमंत्री ने संवैधानिक संस्थानों को लेकर कल तब चिंता जताई जब कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस जेडीएस मिल गए और बहुमत के आंकड़े के साथ राजभवन पहुंच गए। तो नया सवाल सिर्फ संवैधानिक पद संभाले राज्यपाल भर का नहीं है, संवैधानिक पद तो चुनाव आयोग का भी है, सीबीआई का भी है, सीवीसी का भी है, कैग के चीफ का भी है और देश के चीफ जस्टिस तो संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं। पर ध्यान दीजिए तो विपक्ष कमोवेश हर संवैधानिक संस्थानों की भूमिका पर यह कहकर उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है कि वो सत्ता के इशारे पर काम कर रही है, काम करती है। नोइंगली नो गवर्नर will allow a political party which does not have number. जो मोदी जी और अमित शाह ये लोग सारे जो सीबीआई ईडी एजेंसी और तेज हो जाएंगे कार्रवाई करने में। किसी का भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा था, अब तो ये शक होने लगा है कि ये चुनाव आयोग के इशारों पे तो नहीं हो रहा है। और इसी दौर में चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कांग्रेस सक्रिय हुई, विपक्ष भी सक्रिय हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस भी कुछ मुद्दों पर सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये आरोप विपक्ष ने लगाए। और सुप्रीम कोर्ट के चार जस्टिस तो चीफ जस्टिस को ही लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। The administration of the Supreme Court is not in order. यानी सवाल सिर्फ संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा करना पर नहीं है। ध्यान दीजिए तो विपक्ष के निशाने पर यूनिवर्सिटी के वीसी से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर तक है और हर किसी को कटघरे में विपक्ष खड़ा करता है। 31 मार्च तक ये आरबीआई की तरफ से आंकड़े आते थे कि कितना पैसा वापस आ गया, उसके बाद चुप्पी है सरकार के कहने पर। तो इन हालातों में होना क्या चाहिए? क्या सत्ता बदलते ही देश के सारे संस्थानों के प्रमुख को भी सत्तानुकूल बदल देना चाहिए? यानी सत्ता को ये हक हो कि वो जिसे चाहे जहां पर नियुक्त कर सकता है, यानी जिस तरह लोकसभा चुनाव के साथ सभी विधानसभा चुनाव कराने को लेकर देश में सहमति बनाने के लिए सरकार सक्रिय है। तो जब देश में सत्ता बदले तो फिर सत्ता के अनुकूल ही हर संस्थान हर प्रमुख को भी बदल दिया जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।